हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, मैं नहा के आ गई थी और उससे पहले मेरे बाकी के काम हो गए थे। मतलब नाश्ता बन गया था, बच्चे स्कूल चले गए थे, झाड़ू पोछा हो गया था, सब काम हो गए थे। कपड़े भी एक बार के तो धो लिए थे और दोबारा के कपड़े मैंने फिर धोने थे इसके बाद, नाश्ता करने के बाद। और पीछे किचन देखिए, आप देख सकते हैं बहुत बिखरा हुआ है। बस यही रह गया था किचन के बर्तन साफ़ करने और किचन की सफाई करने। कपड़े तो बहुत ज़्यादा थे, दोपहर तक मैं धोती रही। एक बजने वाली थी तब तक तो मैं धोती रही। फिर बच्चे स्कूल से आए, फिर उनके कपड़े, बच्चों के कपड़ों पे कलर डाल रखा था बच्चों ने होली का, तो वो भी रंग लग गया था। वो भी फिर मैंने उसी टाइम धोए गौरव के, जब वो नहाया पूरे कपड़ों पर रंग पड़ा हुआ था। और यहाँ पे देखिए, ये मेरा छोटा सा मंदिर है घर का। यहाँ पे सभी देवी देवता विराजमान हैं और जो चल रही है। तो ये है मेरे घर का छोटा सा मंदिर, अक्सर आपको काफ़ी वीडियो में देखने को मिलता होगा। और आज मैं ज़्यादा कुछ रूटीन सूट नहीं कर पाई। और ये मैं कल गई थी मार्केट, तो सब्जियाँ लेके आई थी मैंने कल इवनिंग को, तो मैंने रखी नहीं थी फ्रिज में, तो अभी मैं इनको रख रही हूँ। टमाटर, गाजर, ये बीन्स, बीन्स बच्चे खूब खाते हैं, इनको खूब पसंद होता है। और खीरे, आज रायता बनाना था, मेरा मन हो रहा था कि रायता बनाएं, काफ़ी टाइम से नहीं बनाया, तो खीरे का रायता बनाऊंगी। और जो भी सब्ज़ियां हैं सब मैं रख दूंगी फ्रिज में। और शिमला मिर्च तो मैं नहीं लेके आई, वो पहले की थी ना, उनको मैं निकाल दूँ, एक मैंने वहीं छोड़ दिया और दो मैंने निकाल दी। तो आलू और शिमला मिर्च की सब्जी, रोटी और काले चने होते हैं उसके छोले और चावल, ये तो बनेगा लंच में। छोले कल नाइट के हैं, नाइट को बनाए तो नहीं थे मैंने, लेकिन लेके आए थे मार्केट से छोले भटूरे। तो बच्चे लोग कम ही खाते हैं, तो दो दो भटूरे तो इन्होंने खा लेते, लेकिन छोले बहुत ज़्यादा बच गए थे, ज़्यादा लेके आए थे, तो मैंने वही फ्रिज में रख लिए थे। और अभी दोपहर को सूखी सब्जी बनाएंगे और कुछ छोले। तो ये फलियाँ हैं, इनको पता नहीं क्या बोलते हैं यहाँ, मैंने पहले भी इसकी सब्जी बनाई थी, सेम चना बोलते हैं हमारे यहाँ। और गाइज, अभी 12 बजने वाले हैं, बजने वाले के बज गए हैं, एक मिनट बाकी है 12 बजने में। और मेरे कपड़े तो धुल गए, कपड़े ना हाथ के इतने ज़्यादा हो रहे हैं। तो एक मेट है जो नीचे बिछाई रहती है यहाँ पे, तो वो धुल दिया अभी। और ये आगे हैं स्कूल से गौरव को, ये तो आगे थे पहले दोनों बहनें, और गौरव थोड़ा पीछे रह गया था स्कूल में, बच्चों ने आज होली खेली होगी, क्योंकि ये तो पहले आगे थे। और वो इतना गंदे कपड़े करके पूरे मुंह में, सिर में, मतलब रंग से रंग के आया, तो अभी नहा रहा है ठंडे ही पानी से आते ही। मैं जब तक पानी गर्म करी तब तक वो नहाने लग गया। और आज एग्ज़ाम हो गए ख़त्म, अच्छा लग रहा। चलो दो चार दिन के लिए टेंशन फ्री, ऐसे कह रही थी। तो बच्चों की आज पेपर ख़त्म हो गए हैं और प्राप्ति के जीके में हाईएस्ट मार्क्स आए, और देखिए उसे क्या मिला है प्राइज, इसको खोल के देखते हैं। जीके में इसके हमेशा अच्छे मार्क्स आते हैं। खोलो इसको, पूरी खोलो, खोलो। अभी अभी आई स्कूल से तो इसने मुझे दिखाया, मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा दूं। आपको प्राइज नहीं मिला बेटा? मम्मी हमें नहीं मिलता, क्योंकि हम छोटे हैं। छोटे नहीं, सबको मिलता है जो फर्स्ट आता है अपनी क्लास में। फर्स्ट आया था उसे क्यों नहीं मिला? एक मिनट दिखाते हैं बैक। और मैंने प्राप्ति को बोला अपना प्राइज खुद से ही खोल, इसमें क्या है। तो मुझे लग यही रहा था कि मुझे तो ये लग रहा था कि कप सा दिख रहा है, कोई कप होंगे। तो ये देखिए उसने खोल लिए, और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी होती है बच्चों पे कि चलो बच्चे हमारे मेहनत कर रहे हैं। और हमें भी मिलते थे जब हम स्कूल पढ़ते थे, पेन मिलते थे, कुछ ही मिलता था ना, तो उसमें एक पेंसिल तक मिलती थी ना, तो इतने खुश होते थे, बहुत खुश होते थे कि हमें इनाम मिला। घर आके बताते थे पेरेंट्स को, तो वही प्राप्ति आते ही बोली मम्मी मुझे प्राइज मिला, मेरी जीके की मैम ने दिए, मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए। तो ये देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, और हाथ में ना उठाने में बहुत भारी भी लग रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा
फिर बोल रही थी मम्मी आज मेरे लिए स्पेशल खाना बनाना कुछ, तो मैंने कहा स्पेशल देखते हैं कुछ मीठा वीठा तो रात को बनाऊंगी, अभी तो देखते हैं क्या बनाती हूँ मैं दोपहर को। तो सच में बहुत खुशी होती है, बच्चे अच्छी मेहनत करते हैं, स्कूल में से बच्चों की कोई शिकायत नहीं आती, तारीफ़ी मिलती है तो पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है। तो ये था प्राप्ति का प्राइज, आज लास्ट पेपर था उनका और अब मिलेगा उनका रिजल्ट, पता नहीं 25 या 26 को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा लंच रेडी है। देखो ये छोले हैं, काले चने के छोले हैं, और खीरा का रायता है, आलू शिमला मिर्च की सब्जी, चावल और रोटी भी है साथ में बनी हुई, और यह है सैलेड। तो आज स्पेशल खाना क्यों बना है? स्पेशल इसलिए बना है क्योंकि आज प्राप्ति ने दिल खुश कर दिया। वो अपने क्लास में फर्स्ट आई, मतलब अभी रिजल्ट नहीं आया, लास्ट पेपर था लेकिन जीके में, और उसे प्राइज भी मिला, तो इसलिए स्पेशल खाना बना है। तो आनंद लेते हैं खाने का, आप लोग भी आइएगा और खा लिया। और खा लीजिए।